उठा थोड़ा जल्दी निकल गया, निकल गया, थोड़ा उठा, थोड़ा उठा, हाँ आराम से निकल रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा फंस रहा है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ निकल गया, ऐसे ज़्यादा उड़ जाएगा जैसे कहीं एक हाथ से पकड़ कर नीचे नीचे टांग करके इसी को, हाँ निकल गया। इस एसी का आज हम लोग ब्लोअर चेंज करने वाले हों, मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत इजीली तरीके से किस प्रकार से आप इस एसी का ब्लोअर चेंज कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये डैमेज था ये ब्लोअर और साउंड कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो भाई यहाँ पर नया ब्लोअर मैं लेकर के आ चुका हूँ और इसी ब्लोअर को अभी हम लोग चेंज करेंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही इजीली सॉल्व हो सके ये साउंड वाला। तो किस प्रकार से भी यहाँ पर चेंज करूँगा मैं आप लोगों को पूरा वीडियो में एंड तक देखने को मिल जाएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ब्लोअर को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये किस प्रकार से सेम तो है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दूसरा ब्लोअर आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, ब्लोअर को ओपन करेंगे, देखेंगे मिलाएंगे कि भाई वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो ब्लोअर यहाँ पर हमारा इजीली तरीके से निकल चुका है, यहाँ पर ओपन करने के बाद इस ब्लोअर को देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डैमेज वगैरह भी है या फिर इसका भी पत्ती कोई तरह से लूज़ है, टूटा हुआ है, सारा चीज़ को हम लोग थोड़ा टाइम दे करके इजीली तरीके से समझेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ इसी प्रकार से आप भी जब ब्लोअर लगाने जाओ तो आप इसे चेक करो या फिर आप मार्केट में परचेस कर रहे हो तो भाई उसे भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। तो देख सकते हैं सारा ब्लोअर का काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी एक काम हमारा बाकी है कि जो हमारा जो पुराना ब्लोअर लगा हुआ है इंडोर यूनिट में उसको निकालने के बाद अभी हम लोग मिलाएंगे कि वो दोनों सेम है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो इंडोर यूनिट में ब्लोअर है उसको अभी हम लोगों को ओपन करना होगा क्योंकि इसे हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए सारे तरफ से, यहाँ स्क्रू वाला सिस्टम है कि भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी इंडोर यूनिट को जो ब्लोअर हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले सिंपल जो तरीका होता है इंडोर का ब्लोअर खोलने के लिए भाई इसे कैबिनेट को ओपन करना होगा, सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है। इजीली तरीके से सारा स्क्रू को हम लोग ओपन करेंगे क्योंकि सारा स्क्रू जब हमारा ओपन हो जाएगा तभी हमारा ये कैबिनेट बाहर आ पाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए क्योंकि एक जगह मुझे एक प्रॉब्लम लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को वो चीज़ के लिए दिखाना, क्योंकि ऐसा ये हो कि कभी भी आप हिटाची के इस कैबिनेट को ओपन अगर करोगे तो भाई आप भी कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो इसलिए आप समझिएगा यहाँ पे सारा स्क्रू हम लोग इजीली तरीके से ओपन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्क्रू जो है वो पूरा तरीके से ओपन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर का जो फिल्टर हम लोग निकाल के बाहर कर देंगे, बहुत इजीली तरीके से फिल्टर निकलता है, मैंने पहले ही निकाल दिया था। तो भाई ऊपर का लॉक रहता है वो भी आपको ध्यान देखना, सॉरी मैंने ही निकाला था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो ऊपर के साइड में हमारे पास जो लॉक है उस लॉक को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इजीली तरीके से यहाँ पे सारा लॉक को हम लोग ओपन करना है, बहुत इजीली है, पकड़ना आपको ऊपर की तरफ पुश कीजिएगा, आपका ये जो लॉक है बहुत ही आसान तरीके से बाहर आ जाएगा। लॉक बाहर आने के बाद इस जो कवर है इसको हम लोग धीरे धीरे ओपन करेंगे ताकि हमारा जो डिस्प्ले के पास जो लाइट था उस लाइट में कोई इफेक्ट नहीं हो, यही चीज़ के बारे में मैंने बता रहा था आप लोग यहाँ फंस सकते हो। तो ये जो देख रहे हैं ये लाइट को इसको धीरे धीरे पकड़ के घुमाना पड़ता है, जिस तरह से स्क्रू कोई खोल रहे हैं, नट खोल रहे हैं, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, उसको मूव कीजिएगा तो वो इजीली बाहर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एसी हमारा कुछ गंदगी से भरा हुआ है तो भाई लास्ट टाइम में उसको भी साफ़ कर देंगे। दो स्क्रू है लेफ्ट साइड के कॉर्नर में कूलिंग कॉइल का, तो देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में भी स्क्रू है तो हम लोग राइट साइड का कोई काम नहीं है, हम लेफ्ट साइड से इजीली तरीके से स्क्रू को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा बहुत ही आसान तरीके से काम हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, दो स्क्रू को ओपन करेंगे उसके बाद इससे कूलिंग कॉइल को ऊपर करेंगे तो भाई हमारा जो ब्लोअर रहता है बहुत ही आसान तरीके से वो बाहर आएगा। किस तरह से बाहर आएगा वहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से हमारा जो ब्लोअर रहता है वो बाहर आ पाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक स्क्रू यहाँ पर रहता है जो कि ब्लोअर से अटैच रहता है, ठीक है। उस स्क्रू को ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये मोटर से भी लगा हुआ है क्योंकि ब्लोअर और मोटर दोनों ऐड है, तो इस स्क्रू को ओपन जब हम लोग करेंगे तभी हमारा जो ब्लोअर है वो पूरा तरीके से बाहर आ पाएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से इस नट को हम लोग ओपन कर रहे हैं, पूरा ओपन होने के बाद यहाँ पर हम लोग काम कंप्लीट हो चुका है, ब्लोअर अभी इजीली हमारा ये निकलेगा। किस प्रकार से निकलेगा यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या किया कूलिंग कॉइल को थोड़ा सा ऊपर किया है और ब्लोअर को धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं उसको, क्योंकि इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो इजीली तरीके से ये हमारा बाहर आ जाएगा। थोड़ा आपको समय देना होगा, ऐसे नहीं जल्दबाजी में काम कीजिएगा नहीं तो हो सकता है कोई सामान आपका टूट जाए, तो इस तरह से आपको काम नहीं करना है, थोड़ा सा समय देना है, पेशेंस रखना है। देख सकते हो ब्लोअर हमारा अब इजीली बाहर आ चुका है, हाँ आराम से निकल रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा फंस रहा है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ निकल गया, ऐसे ज़्यादा उड़ जाएगा जैसे कहीं एक हाथ से पकड़ करके नीचे नीचे टांग करके इसी को, हाँ निकल गया।
ब्लोअर पूरा बाहर आने के बाद हम लोग इसको बराबर से रखेंगे, उस ब्लोअर से मिलाएंगे जो कि हमारा नया ब्लोअर है। दोनों को सेम करके इसको ज़मीन पे रख रहे हैं हम लोग, ताकि मिला पाए कि हाँ ये दोनों सेम है या नहीं है, क्योंकि अगर सेम नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर तरीक़े से हमारा फिट नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से हम लोग इसको मिला रहे हैं ताकि सभी एंगल से सभी तरीक़े से हम लोगों को पता चल पाए कि हाँ ये हमारा सेम है। तो यहाँ ध्यान देखिए दीजिएगा कि क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहले तो ये आपका पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड में, उसे देखना है, फिर राइट साइड वाला को देखना है, उसके बाद दोनों को मिला करके देखना है कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, ज़रा से भी अप डाउन हुआ तो भाई आपका फ़िट करने में बहुत प्रॉब्लम आपका आएगा, और हो सकता है ये बेहतर तरीके से आपका फ़िट भी ना हो सके। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, अब ब्लोअर को डालना है। तो ब्लोअर को इजी तरीके से यहाँ पर डाल रहे हैं हम लोग। ब्लोअर जब हमारा पूरा चल जाएगा तो एक पॉइंट होता है एक जगह पे, जहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको सेट करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, तभी ये हमारा फिट हो पाएगा बढ़िया से। तो देख सकते हैं अब मैंने अब क्या किया है, ब्लोअर को पूरा लगा दिया। लेफ्ट साइड में बूट्स रहता है, ध्यान रखिएगा रबर वाला, इसको भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको लगा दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं मोटर का यहाँ पर पॉइंट दिख रहा होगा, इस मोटर का पॉइंट को ब्लोअर से हम लोग अटैच करेंगे बहुत धीरे धीरे बराबर से, ताकि ये पूरा का पूरा जा सके उसमें। थोड़ा आपको समय देना होगा, बहुत ही इजीली तरीके से काम करना पड़ेगा। तो देख सकते हो ब्लोअर हमारा इजीली तरीके से मोटर में जा चुका है। अब क्या करना है, इसका नट को लगाना है। जिस तरह से स्टार्टिंग में हम लोग नट को ओपन किए थे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे नट को भी टाइट करना है। यहाँ देख सकते हैं गुना हम लोग ने मिला दिया कि हाँ अब इस जगह से हम लोगों को टाइट करना है। तो अब क्या करना होगा, स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत पड़ेगा और वो नट का। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रू को हाथों फंसा दिया था नट पर। अब देख सकते हैं हमारा इजली तरीक़े से ये पूरा का पूरा स्क्रू ड्राइवर से हम नट को टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से, ताकि वो लूज़ ना रहे, ब्लोअर खुले नहीं। ठीक है, यहाँ काम कंप्लीट होने के बाद लेफ्ट साइड में स्क्रू जो हम लोग ओपन किए थे भाई, उसको भी अब तो टाइट करना है, उसके भी हम लोग इजली तरीके से टाइट कर देंगे, ताकि यहाँ दोनों का काम हम लोगों का कम्प्लीट हो सके। तो ये हम लोगों का इंटरनली काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको लाइन दे करके चेक कर रहे हैं कि हमारा कोई साउंड वगैरह तो अब नहीं आ रहा, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको कवर फिट करने से पहले इस तरह से चेक करना होगा। ठीक है, ब्लोअर वगैरह हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि अच्छे तरीके से मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ताकि बाद में कोई तरह का इशू ना हो। अब कैबिनेट ओपन मतलब फिट कर रहे हैं हम लोग, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से कैबिनेट को भी बहुत ईजिली तरीके से आप लोगों को फिट करना पड़ेगा, ताकि कोई तरह का नुकसान ना हो। फिट करना बहुत ही ईजी तरीका है, इसको बराबर तरीके से बैठा देना है और इसको प्रेस करना है राइट और लेफ्ट से। ठीक है, बहुत आराम तरीके से आपको बैठ जाएगा। ऊपर का लॉक का सिस्टम है, लॉक को भी ईजिली आपको लगाना है। सारे चीज़ को अब यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, डिस्प्ले के पास एक हम लोग जो उसको लेफ्ट साइड से मूव करके निकाले थे, उसको भी आपको टाइट करना है राइट साइड से। सारा देख सकते हैं हम लोगों का इजीली तरीके से फिट हो चुका है, कोई इशू नहीं, कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है डिस्प्ले के पास, तो भाई वायर क्योंकि बाहर आ गया था, वायर को भी मैं सेट कर रहा हूँ, अंदर डाल रहा हूँ वायर को, डिस्प्ले का वायर को, क्योंकि वो बार बार बाहर आ जा रहा था, तो वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। तो चलिए, इधर का भी काम कंप्लीट हो चुका है, सारा ऊपर का भी लॉक मैंने बैठा दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा बच जाता है स्क्रू का काम। तो भाई अब स्क्रू का भी काम हम लोग पूरा प्रॉपर करेंगे, क्योंकि स्क्रू भी लगाना ज़रूरी है, तभी हमारा प्रॉपर काम हो पाएगा। ब्लोअर चेंज करना बहुत ही ईजिली तरीका था, जो कि मैंने आप लोगों को देखा है, बहुत ही आसान तरीके से राइट होता है, कोई तरह का उसमें इशू नहीं आता है। चलिए, स्क्रू का भी काम कंप्लीट करते हैं, सारे स्क्रू को मैं फिट कर देता हूँ, ताकि हमारा ये काम कंप्लीट हो सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं नीचे में स्क्रू है हमारा। तो भाई जिस तरह से ओपन किया तो उस तरह से अब टाइट भी तो करना है, क्योंकि टाइट प्रॉपर करेंगे तो हमारा कैबिनेट बाहर नहीं आएगा वाइब्रेशन से, ना ही कोई तरह का साउंड हमें देखने को मिलेगा। सारे स्क्रू को हम लोग वन बाई वन करके टाइट कर रहे हैं। लास्ट स्क्रू नीचे का, अब बजाया कुछ स्क्रू ऊपर का। तो भाई इसके बाद हम लोग ऊपर के भी स्क्रू को प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे। ये सब काम फ्रेंड्स जो होता है ब्लोअर वगैरह चेंज करना, तो इसमें थोड़ा टाइम दे करके आपको काम करना पड़ता है पेशेंस में। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास टाइम कम है और जल्दी जल्दी काम कीजिए, तो उसमें आपका क्या होगा, टाइम बचाने के चक्कर में बहुत सा चीज़ का नुकसान हो जाएगा, और हो सकता है प्रॉपर आपका काम ना हो। तो इस चीज़ के लिए समय देना पड़ता है, तभी आपका ये काम प्रॉपर हो पाएगा। तो देख सकते हैं सारा काम इधर का कंप्लीट है,
अब क्या करना है, हम लोगों को लाइन देना है और चालू करना है कि भाई अब सारा काम कंप्लीट होने के बाद। तो फाइनली हमारा ब्लोअर जो है वो रन कर रहा है, वो घूम रहा है और कोई तरह का साउंड हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ये रन कर रहा है और ये स्मूथ साउंड है। पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हो किस प्रकार से ये साउंड कर रहा था ब्लोअर का, तो भाई लेकिन अब हमारा जो साउंड है वो पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, कोई तरह का साउंड नहीं आ रहा है। ब्लोअर भी प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।